सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग NTU CNET या CSIR UGC NET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कमाल के बैचेस और क्लासेस ऑलरेडी लाए हुए हैं और केमिकल साइंस के बैचेस आज से स्टार्ट हैं, तो आज ही जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे। अब देखो, बहुत सारे वीडियोस मैं बना के आप लोगों को बताता रहता हूँ, प्राइस हाइक होने वाला है और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्राइस हाइक जल्दी ही होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना ना, वो एक बेहतरीन टाइम है आज का, जा करके सब्सक्रिप्शन ले ले, नहीं तो प्राइस हाइक हो जाएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और जो मेरा कोड है करियर 10, वो यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। मेरा कोड और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, देखो यहाँ पे अनअकैडमी पे ना इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं। अब बेस्ट एजुकेटर के गाइडेंस में जब आप पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो रैंक है वो बहुत अच्छा निकलेगा, आपकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी होगी। तो ओवरऑल टॉप 10 एजुकेटर्स यहाँ पे जुड़ेंगे, बेस्ट एजुकेटर इंडिया के पढ़ाएंगे यहाँ से अनअकैडमी से। लास्ट टाइम का भी रिजल्ट आप देखोगे तो CSIR UGC NET में जो इंडिया में टॉपर्स थे वो अनअकैडमी के थ्रू ही थे, जिन्होंने अनअकैडमी प्रिपरेशन किया था। क्योंकि यहाँ पे देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्कॉलरशिप टेस्ट मिलता है, आपको बहुत सारे कॉम्बैक टेस्ट भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें एड ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और बस जाकर के आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हो तो समझ लो आपकी एक सीट पक्की है CSIR UGC NET NTU UGC NET जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। तो लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार जा करके जरूर दे। अच्छा, आज के वीडियो में हम कमाल गढ़ पे बात करेंगे, क्या अप्रेंटिस हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जरूरी है या हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिस बहुत मायने रखता है, और किन लोगों के लिए अप्रेंटिस जरूरी है, कौन से लोग कर सकते हैं कौन से लोग नहीं कर सकते, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, अप्रेंटिस की अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, चाहे वो ITI वाले हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक वाले हो, चाहे BTech वाले हो। आई थिंक देखो, जो अप्रेंटिस वो मैंडेटरी होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं ना, तो अप्रेंटिस अगर हम नहीं किए रहते हैं तो वो कंपनी 6 महीने एटलीस्ट हमसे अप्रेंटिस करवाती है, कुछ कंपनियां 1 मंथ या 2 मंथ का करवाती है, लेकिन करवाती जरूर है सबके साथ। मैं भी BTech किया हुआ हूँ, मुझे भी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है टोटल, की चीज़ें किस तरह से इंडस्ट्री में काम करती, इंडस्ट्री में किस तरह लोग काम करते, वो सारी चीज़ें मेरे को पता है। तो उन सब चीज़ों पर भी फोकस करके अगर देखा जाए ना, तो अप्रेंटिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। अब देखो, अप्रेंटिस जो है मैंडेटरी ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि अप्रेंटिस करना ज़रूरी है और नहीं अप्रेंटिस किए तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो अप्रेंटिस के लिए जा सकते हो। अप्रेंटिस चाहे वो BTech हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो ITI हो, अप्रेंटिस बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। हमें लगता था अप्रेंटिस टाइम का वेस्टेज है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अप्रेंटिस बेकार है, BTech हमने किया है अप्रेंटिस नहीं करेंगे, ITI थोड़ी ना किया है, हमें तो अपनी डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए, ये है वो है, माइंड सेट में आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट बातें आती हैं। लेकिन वो बातें ना इंडस्ट्री में जब आप आते हो तो रखी की रखी रह जाती है। जब आपको लगता नहीं यार, ट्रेनिंग करके आना चाहिए, अप्रेंटिस करके आना चाहिए था, तभी जाके चीज़ें समझ में आती। जब आप सही से अप्रेंटिस करते, सही से चीज़ें समझते, तभी जा करके आपको चीज़ें समझ में आती। जब तक आप सही से चीज़ें नहीं समझोगे, चीज़ें सही से नहीं होंगी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। BTech लेवल पर लोग अप्रेंटिस नहीं करना चाहते, एक बार मैं क्लियर कर दूँ। रेशियो देखा जाए 5% लोग भी ऐसे नहीं है जो BTech के बाद अप्रेंटिस की तरफ मूव ऑन करें, BTech के बाद सब लोग जॉब की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेकिन अगर हाथ में कुछ भी नहीं है, लगता है कि जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं चल पा रही है, चीजें कुछ तरह से काम नहीं कर रही है, आपके हाथ में कुछ नहीं रखा है, तो कहीं ना कहीं अप्रेंटिस आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। और अप्रेंटिस करके आप अपने करियर को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। देखो, जब आप अप्रेंटिस करने जाते हो ना, तो वहां पर तो पैसे भी आपके खर्चा पानी मिल जाता है अप्रेंटिस में। मैक्सिमम कंपनी आपको अप्रेंटिस में 2,000, 4,000, 6,000 जितना बजट रहता है वो दे देती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। उसके बाद वहां इंडस्ट्री के बारे में सीखना पड़ता है आपको कि जो हमने पढ़ा है वो कितना इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। हमेशा मैं वर्ड यूज करता हूँ इंडस्ट्री ओरिएंटेड पढ़ाई, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कितनी वो चीज़ें हैं, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जब तक वो चीज़ें इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तब तक आप कैसे करोगे, तब तक आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे, चीज़ें कैसे समझोगे, चीज़ों को जानोगे कैसे। जब तक ये सारी चीज़ें आप सही से नहीं सीखोगे, चीज़ें समझोगे नहीं, चीज़ें किस तरह से काम कर रही वो नहीं जानोगे, तब तक आप अप्रेंटिस करके लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो।
पॉलिटेक्निक होल्डर्स को भी मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब जॉब ना मिले अप्रेंटिस पे जाओ, अप्रेंटिस करो यार। अप्रेंटिस करने के बाद ना आपके जॉब लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैक्सिमम लेवल बढ़ जाता है। प्राइवेट इंडस्ट्री में तो मैं कहूँगा कि अगर आप 2 से 3 इंटरव्यू भी देते हो ना, तो सलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वहाँ पे 2 से 3 इंटरव्यू में भी आप सेलेक्ट हो सकते हो और चीज़ें आपके लिए सही तरीके से काम कर सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अप्रेंटिस किस तरह से करें, किस डायरेक्शन में करें, किस तरह से अप्रेंटिस की चीज़ें होनी चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। और ITI लेवल पे तो कोई अप्रेंटिस समझ लो मैंडेटरी, ITI वालों को अप्रेंटिस कराया ही जाता है। और ITI अगर आपने किया है तो अप्रेंटिस के लिए तरफ हम मूव ऑन कर सकते हो। अप्रेंटिस आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है और अप्रेंटिस से आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस में कहीं बाउंडेशन है कि करना ही करना है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, जॉब नहीं मिल रही है, तो अप्रेंटिस की तरफ मूव ऑन करो। अप्रेंटिस एक अच्छा विकल्प है जिससे आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। और अप्रेंटिस के लिए नेशनल अप्रेंटिस की वेबसाइट है, वहां पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे रजिस्टर करिए, लॉग इन करिए, उसके बाद जो कोड है डिफरेंट वेबसाइटों पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा अप्रेंटिस के लिए। तो बस वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर डचन टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी करियर डचन को ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।